ताइवानी टेक कंपनी एसस ने आखिरकार अपनी नई ज़ेनफोन 7 सीरीज को ताइवान में लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज के अंडर एसस ज़ेनफोन 7 और ज़ेनफोन 7 प्रो स्मार्टफोन्स को पेश किया गया है। इन दोनों स्मार्टफोन्स में 90 हर्ट्ज़ अमोलेड डिस्प्ले पैनल और 5G कनेक्टिविटी के साथ ही कई और खास फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इन स्मार्टफोन्स को भी ज़ेनफोन 6 की ही तरह फ्लिप कैमरे के साथ लॉन्च किया गया है। हालांकि एसस की तरफ से इस सीरीज़ के बाकी कंट्रीज में लॉन्च को लेकर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी इन स्मार्टफोन्स को बाकी कंट्रीज़ में भी लॉन्च किया जाएगा। एसस ज़ेनफोन 7 को 2 स्टोरेज वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, जिनमें से 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट की प्राइस 21,990 ताइवानीज डॉलर यानी करीब 55,700 रुपये और वहीं 8GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन को 23,999 ताइवानीज डॉलर यानी लगभग 60,100 रुपये में, जबकि ज़ेनफोन 7 प्रो स्मार्टफोन को सिंगल 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और इसकी प्राइस 27,990 ताइवानीज डॉलर यानी लगभग 71,000 रुपये रखी गई है। वहीं स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में 6.67 इंच का फुल HD प्लस अमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल है और दोनों में ही 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। वहीं बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ज़ेनफोन 7 को स्नैपड्रैगन 865 जबकि ज़ेनफोन 7 प्रो को स्नैपड्रैगन 865 प्लस चिपसेट के साथ पेश किया गया है। दोनों में ही एड्रेनो 650 GPU और 8GB तक की LPDDR5 रैम देखने को मिलती है। ज़ेनफोन 7 और 7 प्रो दोनों में ही ट्रिपल फ्लिप कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX686 प्राइमरी सेंसर, दूसरा 12 मेगापिक्सल का सोनी IMX686 वाइड एंगल लेंस और तीसरा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मौजूद है। दोनों ही स्मार्टफोन्स एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड Zen UI 7 पर रन करते हैं और पावर बैकअप के लिए इनमें 5000mAh की बैटरी मिलती है जो कि 30 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन्स में 5G 4G LTE Wi-Fi, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, GPS, Navic, NFC और USB Type-C पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही ज़ेनफोन 7 और ज़ेनफोन 7 प्रो दोनों का ही वेट 230 ग्राम्स है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।